हेलो क्लास एट्थ वेलकम बैक टू अर चैनल वी आर डूइंग द लास्ट चैप्टर ऑफ फ्योर सिलेबस ऑफ बायोजी नाइन्थ चैप्टर जो आपका फूड प्रोडक्शन उसमें हम कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर दैट विल दैट इज गोइंग टू डील विथ पोल्ट्री तो ये छोटा सा लेक्चर है ज़्यादा डिटेल नहीं है आई होप आपने पहले सारे लेक्चर्स देखे होंगे आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है एंड डू लेट मी नो यू आर फेसिंग एनी इश्यूज़ तो स्टार्ट करते हैं पोल्ट्री पोल्ट्री वर्ड मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था इस चैप्टर में वैसे भी आपको पता होगा कि पोल्ट्री वर्ड जो है इट रेफर्स टू बर्ड्स लाइक हैन गीज डक टर्कीज मतलब ये सब जो हमारी बर्ड्स हैं जिनको कि एग लेइंग के लिए भी यूज किया जाता है और उनके फ्लैश के लिए मीट के लिए भी यूज किया जाता है पोल्ट्री बर्ड्स हैं ये सारी एग्जाम्पल याद रखना हैंस डक्स, गीज एंड और... टर्की ठीक है ये सारी जो है ये पोल्ट्री बर्ड्स हैं क्योंकि इनको एग्स के लिए भी यूज़ करें और मीट के लिए भी यूज करें जिनको हम सिर्फ एग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम लेयर्स बोलते हैं और जिनको मीट के लिए यूज करते हैं उनको ब्रॉयलर्स बोलते हैं ब्रॉयलर नहीं ब्रॉयलर बी आर ओ आई एल ई आर एस ये सब दे रखा है अभी आके ठीक है एंड पोल्ट्री क्या है पोल्ट्री फार्मिंग रेयरिंग एंड कीपिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग मतलब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होगी कि आप इन बर्ड्स को रख रहे हो अपने पास पाल रहे हो और उनके एग्स या उनका मीट सेल कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग ठीक है बर्ड्स की रेयरिंग उनकी कीपिंग उनकी हेल्थ का ध्यान रखना उनको फीड करना उनके इफ दे आर फेसिंग एनी मेडिकल इश्यूज तो उनको देखना और फिर उनसे आपको कमर्शियली फायदा उठाना है तो उनके एग्स आप सेल कर रहे हैं या मीट के लिए उनको सेल कर रहे हैं ओके इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ़ फॉलोइंग रीजन्स अब पोल्ट्री फार्मिंग बड़ी कॉमन है इंडिया में आपको जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे आई डोंट नो अभी आप लोग छोटे हो इतना ज़्यादा आपने एक्सप्लोर नहीं किया होगा लेकिन काफ़ी uh, मतलब जगहों पर छोटी छोटी जगह पे आपको पोल्ट्री फार्म uh, फार्म तो नहीं कहूँगी मैं Uh, मतलब इसकी एक शॉप दिख जाएगी क्योंकि वो एक छोटे से एरिया में पोल्ट्री मुर्गियों को रेज कर लेते हैं और उनको फिर मीट uh, किया एग्स के लिए सेल करते हैं तो ये बहुत छोटे से एरिया में हो जाता है काम तो इसके बहुत कॉमन uh, है ये कॉमन क्यों है बिकॉज इट नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए रिटर्नस अच्छे मिलते हैं जो इनपुट uh, कर रहा है ना जो बंदा जो इन, uh, इसको ट्रेड को कर रहा है या पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड है या उससे पैसे कमा रहा है तो उसको Uh, बहुत कम पैसा लगाना है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं और बहुत छोटे से एरिया में उसका ये सब काम चल जाता है मतलब बहुत बड़ा कोई फार्म नहीं चाहिए जैसे एग्रीकल्चर के लिए या किसी और चीज़ के लिए अब अगर आप किसी कल्चर में जाओगे तो पौंड चाहिए आपको एक या और किसी चीज़ के लिए बड़ा एरिया चाहिए ये बहुत छोटे से एरिया में कमरे में भी हो जाता है लेकिन आप एरेशन वग़ैरह अगर सारी कंडीशनस को देखो देन इट नीड्स अ बिगर एरिया अदरवाइज़ यूजली लोग इसको तो एक बहुत छोटे से एरिया में भी पोल्ट्री अपनी रेज करना शुरू कर देते हैं और उसको सेल तो करते तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जो एग लेइंग पोल्ट्री है उनको हम एगर्स बोलते हैं या लेयर्स बोलते हैं और ऐसी पोल्ट्री जिसको हम मीट के लिए रियर करते हैं मतलब जिसका कि फ्लैश सेल करते हैं उनको हम चिकन बोलते हैं या ब्रॉयलर बोलते हैं ठीक है ठीके? स्पेलिंग ध्यान रखेगा और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि एग लेइंग पोल्ट्री को क्या बोलते हैं एगर्स या लेयर्स और जो चिकन है जो मीट के लिए हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉयलर्स या चिकन ठीक है ना इफ़ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स इन इंडिया अच्छा ब्रीड मैंने आपको बोला था काउस की भी याद रखनी है बफलोज़ को भी याद रखनी है इनकी पोल्ट्री की भी याद रखनी है और ना इसमें भी वही आप पढ़ेंगे कि इंडिजिनस एग्जॉटिक अनमिक्सड आपको ये याद रखनी ही रखनी है आप लिख के याद कर लीजिए आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा ही आएगा ठीक है जो हंड्रेड परसेंट वाले बच्चे हैं उनको ही बिल्कुल याद रखना है तो फर्स्ट इज इंडिजिनस ब्रीड्स इंडिजिनस ब्रीड्स जैसे कि हमने काव में कैटल सॉरी काओ तो नहीं कहूँगी बफलोज और काउस दोनों में पढ़ा था तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारी कैटल में भी हमने पढ़ा था इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में तो इंडिजिनस ब्रीड्स वो हैं जो कि हमारी कंट्री uh, की या हमारी एरिया की लोकल ब्रीड है ये हमेशा बहुत स्ट्रांग होती हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वो स्कैन उस जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है ना उसमें ये वेल एडजस्टेड होते हैं तो ये फिजिकली स्ट्रांग होती हैं सस्टेन बहुत करती हैं हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशनस को झेल लेती हैं लेकिन इनकी और कुछ कमी हो सकती हैं जैसे कि आ, कम अंडे देती हैं एग्स जो फ्यूअर नंबर ऑफ़ एग्स ले करती हैं या जो एग्स का साइज है वो स्मॉल है या फिर उसका न्यूट्रिय कंटेंट इतना अच्छा नहीं है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं अब इंडि इंडिजिनस ब्रीड्स के आपको नाम याद रखने हैं असील चिटागोंग, जगह के हिसाब से होता है चिटागोंग घागस एंड ब्रह्मा दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री हमारी बहुत कॉमन है इसमें से असील सबसे पॉपुलर पोल्ट्री की ब्रीड है इंडियन जो एक लोकल ब्रीड है इंडियन की इंडिजिनस ब्रीड ये असील है ये आपने देखा भी होगा ठीक तो है तो यह सबसे पॉपुलर ब्रीड है यह असील का आ, मुर्गा है कॉक है इट गिव्स इसकी क्वालिटी क्या है इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इट गिव्स गुड क्वालिटी मीट मीट बहुत अच्छा है लेकिन छोटे अंडे होते हैं और कम होते हैं तो इट इज़ uh, मतलब मीट के लिए इसको रेज करें तो इट इज़ वेरी गुड बट इट लेज स्मॉल क्वान्टिटी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ एग्स एंड कम कम भी होते हैं और साइज भी छोटा होता है अच्छा जब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ मीट के लिए रेस करें क्योंकि हमें दूसरे भी तो मतलब क्या होता है जब पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं लोग तो आधे जो उनके पोल्ट्री है या आधी जो बर्ड्स हैं उनको वो मीट के लिए रखते हैं आधों को एग लेयर्स बना के रखते हैं तो आधे हो गए एगर्स होते हैं या लेयर्स होते हैं और आधे ब्रॉयलर्स होते हैं तो यूजुअली जो अच्छी क्वालिटी के कॉक होते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए रखते हैं ताकि उनसे जो हैं जब इम्प्रेग्नेंट होगी तो अच्छी क्वालिटी के एग्स मिलेंगे अदरवाइज़ बाकी सारे कॉक्स को वो किस लिए यूज़ करते हैं चिकन के लिए यूज़ कर देते हैं ब्रॉयलर्स एज ब्रॉयलर्स ये बुसरा की फ़ोटो दे रखी है ठीक है बसरा या नसील की फोटो दे रखी है हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं अब हम बात करेंगे इंडिजिनस के बाद आगे एग्जॉटिक ब्रीड है एग्जॉटिक ब्रीड देखो एग्जॉटिक का मतलब क्या हो गया जो कि टोटली totally इम्पोर्ट की गई हैं बाहर फॉरेन कंट्री की ब्रीड से हम उन्हें अपने यहाँ ले आए हैं और उनसे कुछ बेनिफिट्स ले रहे हैं तो रेज कर रहे हैं यहाँ पे मतलब इनकी हमने अभी ब्रीड को मिक्स नहीं किया इंटर ब्रीडिंग नहीं हुई तो वाइट लेग हॉर्न जो है ये हो गया वाइट लेग हॉर्न और रोड आइलैंड रेड ये रोड आइलैंड रेड की पिक है ये वाली एंड थर्ड वन इज ब्लैक मिनोर का दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री मतलब कि ये किसी बाहर की कंट्री से लाई गई हैं और हम यहाँ पे इनको रेस कर रहे हैं इनकी हम जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं करते इनमें इंटरब्रीडिंग नहीं की है इसीलिए हम इसको एग्जॉटिक बोल रहे हैं प्योर एग्जॉटिक क्वालिटी है ये वाइट लेगोन जो ये छोटा सा होता है इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं या इसके क्या पॉजिटिव फीचर्स हैं कि इसको कम खाना चाहिए बहुत कम दाना पानी पर ये अपना काम कर लेता है और ओवल वाइट एग्स प्रोड्यूस करता है तो ये इसका बेनिफिट हो गया लेकिन आ, क्योंकि ये बाहर की कंट्री बाहर से आया है दूसरी कंट्री से आया है तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए उतना सूटेबल नहीं है अडेप्ट नहीं कर पाता है तो इट फॉल्स सिक वेरी फ्रिक्वेंटली उससे हमें दिक्कत होती है रोड आइलैंड रेड जो है ये जो सेकेंड वाली पिक में दे रखा है ये यू का है इट गिव्स गुड क्वालिटी एग्स एंड मीट बट अगेन द सेम प्रॉब्लम कि हमारे क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट में ये एक्लमेटाइज नहीं हो पाते हैं तो डिजीज़ होती हैं डिजीज़ की प्रॉब्लम रहती है और उतना ज़्यादा मतलब अगर ये हेल्दी रहेंगे तो बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन देंगे लेकिन ये खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे जल्दी से इफ़ दे डाई और इफ़ दे फॉल सिक दिन फिर कुछ यूज नहीं है हमें ऐसी पोल्ट्री चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो कम इनपुट दें हम कम खर्चा हो और हमें रिजल्ट्स ज़्यादा मिले Uh, तो उसके लिए फिर हमारे साइंटिस्ट ने अगेन दे डिड लॉर्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलप्ड मेनी क्रॉस ब्रीड्स और इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स अब क्रॉस ब्रीड्स डेवलप हो गई हैं जो क्रॉस ब्रीड्स हैं वो कैसी हैं इंडिजिनस और एग्जॉटिक का मिक्स है और ये इनको हम क्रॉस ब्रीड्स बोलते हैं इनका नाम नहीं दिया है आई बी एल ए टी ऐसे नंबरिंग का रखिए क्योंकि अब इतनी सारी ब्रीड्स का नाम देना पॉसिबल नहीं होता और फिर <coughs> उन नामों को, को लर्न करना भी पॉसिबल नहीं होता है तो नंबर्स के हिसाब से दे देते हैं कि किस में कितना चेंज किया उस हिसाब से तो आई बी एल एटी बी सेवेंटी सेवन एच एच टू सिक्सटी दे आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ क्रॉस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री इनमें देखो इनके क्या फ़ायदे हैं बेनिफिट्स बहुत याद रखना है आपको वहाँ पर भी बेनिफिट्स याद रखने हैं इंडिजिनस के एग्जॉटिक के और क्रॉस ब्रीड के ठीक है सबके बेनिफिट्स और सबकी जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है कुछ प्रॉब्लम है तभी तो हमने क्रॉस ब्रिड्स को डेवलप किया तो फ़ायदे भी आपको याद रखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों आपको पता होनी चाहिए सो दीज़ आर रेजिस्टेंट टू डिजीजेज एंड ग्रो वेरी फास्ट देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बीमार भी नहीं होते और जल्दी से ग्रो कर जाते हैं मतलब इनका जो जैसे ही एग हुआ एग से हैच हुआ जो निकली बर्ड निकली इट ग्रोज़ वेरी फास्ट तो आपको बहुत जल्दी अगर मीट के लिए रेस करना है तो मीट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा और उनको दोबारा से एगर्स की तरह या लेयर्स की तरह यूज़ करना तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो ये हो गया एक चीज़ फिर दूसरी चीज़ क्या है और क्या फ़ायदा है दैट दे ले मोर एग्स ऑफ बिगर साइज़ बड़े बड़े एग्स वो ले करते हैं तो वो भी मार्केट में अच्छी क्वालिटी में बिकते हैं एंड दे गिव मोर मीट हर तरीके से ये हमें फ़ायदा दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा जो ये चीज़ें होती हैं ना कि ज़्यादा हम म्यूटे म्यूटेशन के थ्रू यूज़ करें इन चीज़ों को या ज़्यादा म्यूटेशंस करवाएं तो उससे फिर और अन नोन भी डेवलप हो सकते हैं जैसे कि कोविड नाइन्टीन जो वायरस है ये भी इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है तो वी डोंट नो एक्जैक्टली हाउ इट डेवलप्ड बट आपको ये ध्यान रखना है आपसे अगर पूछा जाए कि इनके नुकसान क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ज़्यादा आप क्रॉस ब्रीड्स या ज़्यादा ये वाली जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट और उसको क्योंकि ना एक्चुअल रिसर्च तो हो गई हमने क्रॉस ब्रीड बना ली अब हम उसको उतना स्टडी नहीं कर पाते ना अगर आपको उसको उसके पूरी हर चीज़ ढंग से स्टडी है तो नीड ईयर्स करीब जैसे अगर किसी Uh, जो हमारी हैं है या हमारा चिक है उसकी जो uh, पोल्ट्री की बात करें तो लाइफ साइकिल है उसकी सपोज़ uh, टू इयर्स है या वन ईयर है तो हमें ना करीब बीस पच्चीस पचास साल स्टडी करना पड़ेगा तब हमें उसको नज़र आएगा एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो तब नज़र आएगा कि हाँ इसकी प्रॉब्लम कहाँ है या इसकी हमने ये जो जेनेटिक चेंजेस किए हैं इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में कोई नई डिज़ीज़ तो डेवलप नहीं हो रही हैं हमारे जेनेटिक्स में तो कोई चेंज नहीं आता उसकी म्यूटेशन की वजह से हम उसको कंज्यूम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो ये सारी जो रिसर्च है ये एक्चुअली बहुत टाइम बाद पता चल पाते हैं क्योंकि एक तो डेटा इकट्ठा करना पड़ता है पहली बात तो किसी के दिमाग में ये आए कि हाँ इससे प्रॉब्लम होगी फिर प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए डेटा बहुत सारे इकट्ठा करना पड़ता है ओवर द ईयर्स एंड बहुत सारी एक वराइटी ऑफ पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले बंदों का डेटा इकट्ठा कर लिया तो हो सकता है उनको वो प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसी और वजह से हो रही हो तो वेरियड क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने वाले पर्सनस का आपको डेटा इकट्ठा करना फिर उसको एनालाइज़ करना फिर उस पर रिसर्च करना कि भाई ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड लॉन्ग प्रोसेस तो इट टेक्स ईयर्स तो इसीलिए नेचुरल रहना ज़्यादा ज़रूरी है ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये थोड़ा सा साइंटिस्ट को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये दे शुड बी विद इन अ लिमिट ज़्यादा नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ओके फीड फॉर पोल्ट्री अब ये पोल्ट्री को हम फीड क्या देते हैं इट मस्ट कंटेन ऑल दी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भाई सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो उनके जो एग्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होंगे नहीं तो अच्छी क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स विटामिन मिनरल्स मतलब हमारे जो कंपोनेंट्स <coughs> हैं हमारे फूड में होने चाहिए वो इनके फूड में भी होने चाहिए एंड मैश्ड सीरियल्स देने चाहिए मतलब कुटा हुआ ऐसे छोटे छोटे दाने बिल्कुल जो सीरील्स हैं उनको बिल्कुल ग्रेन ग्रेन उनके बहुत बारीक ग्रेन बना पाउडर नहीं बनाना है बहुत छोटा ग्रेन कर देना है और फिर उसको फीड करना है नहीं तो वो खा नहीं पाएंगे ठीक है और उनको डाइजेस्ट नहीं होगा लाइक बाजरा व्हीट मेज़ ज्वार राइस ब्रैंड फिश मील ऑयल केक्स लाइक ग्राउंडन केक ये सब पोल्ट्री को खिलाना चाहिए अगर हमें अच्छी क्वालिटी का मीट चाहिए और अच्छी क्वालिटी की एग्स चाहिए अब आप ये समझ सकते हो कि इस सब को खिलाने में भी जो बिजनेस uh, कर रहा है जो बंदा उसके काफ़ी पैसे खर्च होंगे मतलब गुड क्वालिटी पोल्ट्री फीड के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको लेकिन हमारे यहाँ मतलब uh, तो मैं आई डोंट मीन एनी इंसल्ट टू एनी बडी बट हमारे इंडिया में ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस लोग ना सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो सिर्फ रिटर्न चाहते हैं तो पोल्ट्री की जो हमारे यहाँ फीडिंग कंडीशन है जो उनकी रहने की जगह है वो बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन नहीं होती है और उनकी जो फीड है वो अच्छा फीड नहीं दिया जाता है दे फीड ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिल्कुल जो वेस्ट है कहीं का उसको ला के फीड कराते हैं पोल्ट्री को तो आप समझ सकते हो कि आप अगर एग खा रहे हो और आपकी जो जहाँ से एग आ रहा है उस पोल्ट्री फार्म में अच्छी कंडीशंस नहीं है तो आपको एग का न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ओके फिश मील कैसे प्रिपेयर होता है फिश मील इज़ प्रिपेयर फ्रॉम वेस्ट ऑफ द मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हम अपनी पोल्ट्री को फिश मिल या मीट मिल दे रहे हैं तो वो कहाँ से आता है जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसका जो वेस्ट निकलता है छोटे छोटे पीसेस जो निकल जाते हैं जो कि वेस्ट हैं जिनको कि ह्यूमन बींग्स के लिए सेल नहीं किया जाएगा उनको इस काम के लिए यूज़ कर लिया जाता है कॉमन डिजीज क्या है पोल्ट्री की वायरल डिजीजें फॉक्स फाउल पॉक्स एंड रानी खेत रानी खेत, खेत इज़ अ प्लेस इन उत्तराखंड नियर नैनीताल वहाँ से ही ओरिजिनेट हुई थी डिजीज दैट इज वाई इसका नाम रानीखेत डिजीज है तो फाउल पॉक्स एंड रानीखेत वायरल हो गई बैक्टीरियल डिजीज हो गई फाउल कॉलेरा सैलमोनालिस डायरिया ऑफ चिक एंड ओकोराइजे ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है फंगल डिजीज हो गई एस्पजिलोसिस एस्पर्जेलस फंगस से होती है ये भी आपको याद रखनी देन शेल्टर फॉर पोल्ट्री अब हमने इनको रख लिया है तो इनका रहने खाने की जगह भी चाहिए साफ साफ जगह चाहिए तो ये सॉरी तो ये क्या होना चाहिए हाँ। होता है हैंग हो जाती है ना कई बार चीजें इट हैज़ गॉट इट्स माइंड ऑफ इट्स ओन है ना अपने आप ही करने लगते सो पोल्ट्री आर कैप्टन वायर केजेस और इन पोल्ट्री शेड्स केजेस में रखते हैं और उन केजेस की सफाई होनी चाहिए रेगुलर एक केज में ज़्यादा बर्ड्स नहीं होनी चाहिए एरेशन होना चाहिए सनलाइट मिलनी चाहिए एंड ये केजेस में इसलिए रखते हैं ताकि ना प्रिडेटर्स कैट्स एंड डॉग्स जो इनको खा जाते हैं उनसे इनका प्रोटेक्शन हो सके लेकिन आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं देखा होगा छोटे से केज में बहुत सारी बर्ड्स भरी रहती है एक के ऊपर एक होती है तो ऑब्वियसली वो मर जाएंगी ड्यू टू सफोकेशन और फिर उसको एक मीट की तरह सेल कर देंगे तो उस मीट की क्या क्वालिटी होगी आप इमेजिन कर सकते हो द uh, बहुत अच्छी कंडीशन होनी चाहिए तब अच्छा आपको न्यूट्रिटिव मीट मिलेगा अदरवाइज तो ऐसे ही है द केजिज ऑफ शेड्स शुड बी ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम वेरियस डिजीजे लेकिन अपनी सैनिटरी कंडीशन इंडिया में हम मेनटेन नहीं करते हैं देन प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द शेल्टर एंड वैक्सीनेशन ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स इज़ इसेंशियल टू कीप द बर्ड्स हेल्दी सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए डाइट अच्छी होनी चाहिए उनकी भी वैक्सीनेशन होनी चाहिए तो आप जब भी ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं अगर डे पोल्ट्री के तो आप ये ध्यान रखिए कि वो कहाँ से आ रही हैं किस कंडीशन में रेस की जा रही है प्रोसेस की जा रही है उस हिसाब से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए इनको कंज्यूम करने से पहले ओके okay, तो ये हो गया पोल्ट्री नाउ इट इज़ शीप एंड गोट शीप एंड गोट की रेयरिंग होती है अगेन फॉर देयर फर वूल मिलती है एंड फॉर देयर मीट स्किन भी उनकी यूज़ होती है लेदर प्रोडक्ट्स में तो शीप एंड गोट के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनसे हमें मीट वुल और फर एंड स्किन और गोट से हमें मिल्क भी मिलता है हालांकि बहुत कम मिल्क होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है वेरी न्यूट्रिशियस नाउ सम इम्पोर्टेंट ब्रीड्स ऑफ शीप इन इंडिया अगेन यू हैव टू लर्न द ब्रीड्स ठीक है शीप की भी और गोट की भी दोनों की आपको याद कर रखनी है याद करनी है भूलना नहीं है ठीक है अभी मैं बार बार कह रही हूँ कि लिख के याद करिए नहीं तो आप लोग डेफिनेटली भूल जाएंगे कि क्या है शीप की ब्रीड्स हो गई लोही शिपकिया ठीक है शीप की मारवाड़ी नली बखरवाल रामपुरी टेकनी एंड बीकानेरी दीज आर ऑल ब्रीड्स ऑफ शीप गोट की ब्रीड्स देखिए कैशमेर लोग सोचते हैं ना जो कैश्मीर स्वेटर होता है वो शीप का होता है बट एक्चुअली गोट की ब्रीड पश्मीना, पश्मीना भी स्वेटर बनते हैं ना शॉल अंगोरा ये सारे बड़े वॉम स्वेटर्स होते हैं शॉल्स और जो वुल होती है ना अंगोरा की पश्मीना की कैशमेर वेरी फाइन एंड वेरी वॉम वुल तो आप लोग लोगों को जनरली आइडिया होता है कि शीप की वुल है बट एक्चुअली इट इज गोट वुल तो ये गोट की वैरायटी होगी गई पश्मीना अंगोरा जमुनापरी एंड गड्डी गड्डी भी बोलते हैं इसको गड्डी भी बोलते हैं ठीक है यहाँ पे दो पिक दे रखे हैं आपको मारवाड़ी शीप और अंगोरा गोट ओके नाउ फीड ऑफ शीप एंड गोट अगेन इनको जो खाना दे रहे हैं अगर आप इनको वुल के लिए रेयर कर रहे हैं अगेन द कंडीशन इज़ कि आप किस चीज़ के लिए इनकी रियरिंग कर रहे हैं मीट के लिए या वुल के लिए तो वुल के लिए रियरिंग कर रहे हैं तो दे आर फेड विद ग्रास एंड फॉलेज मतलब हरा चारा उनको ज्यादा ज़्यादा क्या हरा चारा और घास ही खिलाते हैं थोड़ा बहुत दाना अगर आप उनकी वुल के लिए रेस कर रहे हैं उनको तो वुल की क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन अगर आप मीट के लिए रेस कर रहे हैं फ्लैश ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्लैश ट्रेडिंग, ट्रेडिंग तो नहीं कहेंगे सॉरी दैट इज़ समथिंग एल्स अगर आप मीट के लिए रेस कर रहे हैं तो उनको ऑयल केक्स दे दें ताकि मील की मीट की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए ऑयल केक्स दे रहे हैं ग्राम शैफ दे रहे हैं एंड मिनरल मिक्सचर्स दे रहे हैं ऑयल केक क्या हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को ऑयल निकालते हैं ना सनफ्लावर का ऑयल निकाला या मस्टर्ड ऑयल निकाला तो जो रिमेन्स बच जाते हैं सॉलिड उसको प्रेस कर करके सेल कर देते हैं मार्केट में उसको हम अपने कैटल को भी फीड करते हैं और शीप एंड गोड को भी फीड देते शीप एंड गोड भी कैटल की कैटेगरी में आती है इनको फीड करते हैं ग्राम शेफ क्या हो गया चने का जो रिमेन्स बच जाते हैं अगेन दी कवरिंग्स एंड ऑल दो थिंग्स देन मिनरल मिक्सचर्स की मिनरल्स का मिक्सचर देते हैं वो प्रिपेयर मार्केट से आता है उसको भी देते हैं देन शीप फीड ऑन ग्रीन ग्रास शीप नॉर्मली फ़ीड जो होती हैं वो फार्म वेस्ट पे, मतलब फार्म का जो वेस्ट होता है ना ग्रीनरीज जो भी खेती बाड़ी के बाद जो वेस्ट बचता है उस पर फीड करते हैं ग्रीन ग्रास पे फीड करते हैं और गोट्स जो हैं दे फीड ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी लीव्स खाती हैं गोट और ग्रास भी खाती हैं नॉर्मली अब डिजीज ऑफ शीप एंड गोट इनकी भी डिजीज होती हैं अगेन इनकी वायरल डिजीज़ आपको याद रखनी है वायरल कौन सी हैं दोनों की सेम है ठीक है और ये ह्यूमन बींग्स के साथ भी मैच करती है मतलब ह्यूमन बींग्स की डिजीजेज भी इनको होती हैं कुछ रेंडर पेस्ट एंड गोट पॉक्स कैटल को भी हो रही थी ठीक है यहाँ पे शीप और गोट को भी हो रही हैं फिर बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हो रही हैं विब्रियोसिस विब्रियो कॉलरे वाले जो होती है विब्रियोसिस एंड ब्लैक वाटर ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज होती हैं दी कैन बी प्रिवेंट प्रिवेंट कैसे हो सकती हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बैलेंस्ड डाइट good शेल्टर एंड good sanitary कंडीशंस एंड वैक्सीनेशन ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हम इन डिज़ीज़ को अपनी गोट और शीप में प्रिवेंट कर सकते हैं तो शीप और गोट का तो बहुत थोड़ा सा ही था बस आपको डिज़ीज़ के नाम याद रखने हैं और जो उनकी जो ब्रीड है ब्रीड का नाम ध्यान रखना है वो पूछे जाते हैं ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ब्रीड के नाम आप लिख के याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं ओके okay. अब हम आ गए मैंने कहा था ना छोटा सा लेक्चर होगा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है अब हम इसके क्वेश्चनस कर लेते हैं इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री अच्छा मैचिंग करना है कॉलम ए और बी इंडिजिनस ब्रीड्स एग्जॉटिक ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स अब देखो अगर आपको याद नहीं भी है ना ये तो बहुत ही सिंपल है अगर आपको कुछ भी याद नहीं है ना फिर भी आप नाम देख के बता सकते हो कि कौन सी इंडिजिनस है मतलब कौन सी लोकल है कौन सी एग्जॉटिक है और कौन सी क्रॉस है देखो लोकल जो है असील बसरा वो लग रहा है ना कि लोकल नाम है तो ये असील और बसरा जो है ये लोकल हो गई इसके बाद अगर आपसे हम एग्जॉटिक की बात करें कि एग्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं जो कि बाहर से आई हैं हमारी कंट्री की बिल्कुल नहीं किसी है किसी टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट से आई है मतलब फॉरेन ब्रीड है वो क्या हो गई वाइट लेघोन एंड ब्लैक मिनोर का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा वाइट लेगहन ब्लैक मिनोर का तो ये नाम जो है ये हमारे लोकल नेम्स नहीं हैं तो ऑब्वियसली दीज आर एग्जॉटिक ब्रीड्स उसके बाद हम बात करें क्रॉस ब्रीड्स तो मैंने आपको बताया ना क्रॉस ब्रीड्स बहुत सारी होती हैं तो उनको नंबर्स दे देते हैं अल्फ़ाबेट और नंबर्स दे देते दे हैं हर ब्रीड को प्रॉपर नाम देना पॉसिबल नहीं होता है तो ये आपको समझ में आ गया कि हाँ ये कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं आई बी एल एट्टी एच एच टू सिक्सटी ये नेमिंग किया गया होगा इनके जीन्स को और उसमें इंट्रोड्यूस उस किया हो गया होंगे तो क्रॉस ब्रीड्स हो गई तो क्रॉस ब्रीड हो गए तो ये बहुत सिंपल था ठीक है अब हम आगे चलते हैं विच ओ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ पोल्ट्री बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी नहीं है फाउल कॉले रानी खेत सैलमोलिसिस एंड क्राइजे बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है फाउल कॉले बैक्टीरियल होती है रानी खेत वायरल है ठीक uh, है रानी खेत इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज इज इस अ वायरल डिजीज़ सैलमोनिस बैक्टीरियल है कोरोजे भी बैक्टीरियल है विच यो द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ शीप इन इंडिया इंडिया की uh, शीप नहीं है ब्रीड ऑफ शीप नहीं है ठीक है सारी इंडियन सीम लोही मारवाड़ी रामपुरी गद्दी गद्दी तो लोही मारवाड़ी रामपुरी तीनों जो हैं वो शीप होती हैं और गद्दी जो है वो क्या है गोट की वैरायटी है गोट की ब्रीड है ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट कैश्मर पश्मीना अंगोरा तीनों ही गोट की वुल मिलती है तो तीनों गोट की वैरायटी हैं बीकानेरी जो है इट इज़ अ वैरायटी ऑफ शीप वेन वी रेयर शीप एंड गोड फॉर मीट दे आर नॉट गिवन उनको हम क्या नहीं देते हैं ग्राम चैफ़ मिनरल मिक्सचर ऑयल केक्स और फॉलियज फॉलियज नहीं देते हैं उनको फॉलिज तब देते हैं जब हम इनको वुल के लिए रेज कर रहे हैं ठीक है अदरवाइज मीट के लिए दे आर गिवन ग्राम चैफ़ ऑयल केक्स एंड मिनरल मिक्सचर एग लेंग पोल्ट्री आर कॉल्ड एग लेइंग पोल्ट्री जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं एग लेंग पोल्ट्री को हम बोलते हैं एगर्स पोल्ट्री रियड फॉर मीट आर कॉल्डर्स ध्यान रखना बॉइलर मत लिख देना क्या हो रहा मत लिख देना बेटा इट इज ब्रॉयर स्पेलिंग्स का ध्यान रखना ठीक है सॉरी मैं भी बॉइलर लिख रही हूँ मैं आपको बोल रही हूँ बॉयलर मत लिखना और मैं बॉइलर खुद लिख रहा हूँ ब्रॉयर ठीक है बी आर ओ आई एल ई आर एस ब्रॉय रिंडेपेस्ट एंड गोटपॉक्स आर गोडपॉक्स और रिंडपेस्ट दोनों जो हैं वो कैसी डिजीजेस हैं वायरल हैं, और विब्रियोसिस एंड ब्लैक वॉटर आर बैक्टीरियल डिजीजेस सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर ये इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका पीसी कल्चर एपीकल्चर और सेरीकल्चर से डील करेगा एंड देन लास्ट चैप्टर जो आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर एंड एक्सरसाइज एंड वी फिनिश विद दिस चैप्टर ठीक है टेक केयर स्टडी वेल एंड